हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? अच्छे से हो ना बच्चे आप सब? हम भी अच्छे से हैं, आप भी स्वस्थ रहिए। ये देखिए बेटा, आज हम अपनी स्वर आनंदी की बुक से क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आ की मात्रा वाले शब्द। हमने अब बिना मात्राओं के शब्द का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए वो हम ओपन करते हैं। ये देखिए पेज नंबर 7। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 7, आ की मात्रा का प्रयोग। कल हमने पिछले वीडियो में हमने चार अक्षर वाले शब्द पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा का प्रयोग, आ की मात्रा का कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले ये बताइए, ये क्या है? ये क्या है? ये है बड़ा आ। क्या है? आ। और इसकी मात्रा क्या है? ये है। इसकी मात्रा क्या है? ये है आ की मात्रा का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए पढ़िए और समझिए। ये देखो, ये क्या है? क। क पे आ की मात्रा लगी है। क्या लगा रहे हैं हम? क पर आ की मात्रा लगा रहे हैं, बाद में रा लिख रहे हैं। फिर जब हम उसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कार। क्या हो जाएगा? कार। क क पे आ की मात्रा, र कार। फिर देखो, यही चीज अगर हमें दोनों अक्षरों पर मात्रा लगानी हो तो क्या होगा? देखो, जैसे छ, छ पे आ की मात्रा हमने ऐड किया, फिर त लिखा, फिर त पे भी हम ऐड करेंगे। अब उसको मिला के हम कैसे लिखेंगे? छ, छ पे आ की मात्रा, त, त पे आ की मात्रा, छाता। क्या हो गया? छाता। इस पे देखिए, ब, ब पे आ की मात्रा। पहले हम इसको ब पढ़ रहे थे, लेकिन जब आ की मात्रा लग गया तो हम पढ़ेंगे बा। फिर उसके बाद द, ल, बादल। उसके बाद देखो ना, न पे क्या लगा है? आ की मात्रा, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? ना। फिर उसके बाद खाली व, ना व। उसके बाद देखो खाली ग, म, ल, ल पे आ की मात्रा। जहां जहां पर रेड लाइन है वो आ की मात्रा है। ल पे आ की मात्रा, तो हम क्या पढ़ेंगे? ग को ऐसे ही पढ़ेंगे, म को, लेकिन ल को हम तेजी से पढ़ेंगे, ला, गमला। क्या हो गया? गमला। उसके बाद देखो ट, फिर म, फिर आ की मात्रा, फिर ट, फिर रा। कैसे हमने लिखा? देखो कंबाइन करके इसको मिला के कैसे लिखा? ट, म, म पे आ की मात्रा, टर, ट, मा, टर, टमाटर, है ना? चलिए अब यहाँ से देखते हैं, बोल बोल कर पढ़िए। देखो ज, ज पे आ की मात्रा, ल, जाल। थ, थ पे आ की मात्रा, थाल। ल, ल पे आ की मात्रा, ल, लाल। क, क पे आ की मात्रा, म, काम। न, न पे आ की मात्रा, म, नाम। अब देखो, पहले आगे के अक्षर पर मात्रा लगी थी, अब पीछे पीछे के अक्षर पर मात्रा लगी है। तो देखो घ, घ पे कोई मात्रा नहीं, तो हम इसको घा नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ घ पढ़ेंगे। पीछे वाले पर मात्रा है तो उसको हम तेज से पढ़ेंगे, घ, ड, ड पे आ की मात्रा, घड़ा। क, ड, ड पे आ की मात्रा, कड़ा। फिर व, ड, ड पे आ की मात्रा, बड़ा। फिर स, ज, ज पे आ की मात्रा, सजा। म, ज, ज पे आ की मात्रा, मजा। अब देखो, इसमें तो पहले के पहले अक्षर पर मात्रा थी, इसमें लास्ट वाले अक्षर पर मात्रा थी, अब दोनों पे मात्राएं हैं। हाँ, दो अक्षर वाले शब्द हैं और दोनों पर आ की मात्रा। जैसे देखो ज, ज पे आ की मात्रा, ल, ल पे आ की मात्रा, जाला। ट, ट पे आ की मात्रा, ल, ल पे आ की मात्रा, ताला। ला, ला, रा, जा, बा, जा। इसके बाद अब ये वाली लाइन देखो बेटा, इसमें देखो तीन अक्षर के हैं,
तीन अक्षर में एक पहले वाले शब्द पर आ की मात्रा लगी है ना। अब देखो च, च पे आ की मात्रा है ना, तो इसको हम तेज से कैसे बोलेंगे, चा। व पे कोई मात्रा नहीं तो इसको धीरे से बोलेंगे व, फिर ल ना, चावल। ये व और ल का बड़ा भाई है, इसके लिए हम इसको तेज से बोलेंगे चावल। फिर देखो चा दर, आ लक, बा लक, पा यल। समझ आया ना। इसके बाद ये वाला देखो, अब देखो तीन अक्षर का है लेकिन इसमें दोनों पहले के दोनों अक्षरों पर मात्राएं हैं। देखो स, स पे आ की मात्रा, मा पे आ की मात्रा, न सामान। फिर देखो आ, अ पे आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा, म आराम। फिर त, त पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, ब तालाब। ब, ब पे आ की मात्रा, द पे आ की मात्रा, म बादाम। अब देखो चार अक्षर वाले शब्द आ गए, हम कहाँ पर आ गए, चार अक्षर वाले शब्द पर। अब तक हम दो या तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ रहे थे और अब हम चार अक्षर वाले शब्द पर आ गए हैं, और इसमें कहाँ पर मात्रा है ये हमको खोज कर करना होगा। देखो जैसे ये क्या लिखा है, भ, फिर ग, फिर व, व पर क्या लगा है आ की मात्रा, फिर न। तो भ को धीरे से पढ़ेंगे, ग को धीरे से पढ़ेंगे, व को तेज से चिल्लाएंगे और न को फिर से धीरे से पढ़ेंगे। देखो भगवान, भगवान, क्या पढ़ेंगे इसको, भगवान। उसके बाद पक, व, व पे आ की मात्रा, न पकवान। उसके बाद ट, म, म पे आ की मात्रा, टर, टमाटर। उसके बाद देखो म, ह, ह पे आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा, ज, ज पे आ की मात्रा। खाली म को धीरेंगे, धीरे से बोलेंगे, बाकी सब को तेज तेज बोलेंगे। जैसे देखो महाराजा, महाराजा, क्या बोलेंगे, महाराजा। उसके बाद देखो क, फिर ल, ल पे आ की मात्रा, क, क पे आ की मात्रा, र, कलाकार। समझ आया ना बेटा आपको, आप इसको अपने मम्मी की हेल्प से या पापा की हेल्प से आप इसको पढ़िए, जिससे कि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। आ की मात्रा तो एकदम आज रट ही डालिए, हाँ, खूब मस्ती करिए, खूब खेलिए, खूब चॉकलेट खाइए, लेकिन साथ में खूब पढ़िए भी। बाय बाय।